इस क्वेश्चन में लिखा है कि करंट यहाँ से आउट ऑफ द पेज है एंड देन यहाँ से इनटू द पेज है, सही है। विच मीन्स के करंट ऐसे निकल कर ऐसे एंटर हो रहा है, सही है। मतलब कार्डबोर्ड अगर आपके पास है तो कार्डबोर्ड में करंट ऐसे यूं मूव कर रहा है, ठीक है। तो कार्डबोर्ड से यहाँ से करंट आ रहा है एंड देन दूसरे साइड से यहाँ से लूप जा रहा है। तो आप समझो कि अज्यूम कर लो कि ये वायर है, ठीक है, ये एक पूरी वायर है ऐसे, और बीच में वायर के यहाँ पर आपके पास एक प्लॉटिंग कंपास रखा है, ऊपर से वायर गुजर रही है। अगर आप करंट की डायरेक्शन देखो तो करंट की डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, बिकॉज उन्होंने बोला है कि यहाँ से करंट आउट ऑफ द पेज है और देन दूसरे साइड से करंट इनटू द पेज है। और वायर के नीचे रखा हुआ है एक प्लॉटिंग कंपास। अब प्लॉटिंग कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा, तो आपने इस पर अप्लाई करना है राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल में आप देखें वायर में थंब जो होगा ना वो करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड्स है, तो थंब ऐसे है देन करंट आपके पास कर्ल के हिसाब से आप देखो तो अगर करंट अपवर्ड्स है तो कर्ल आपका ऐसे होगा। तो वायर के नीचे आपका जो कर्ल है वो लेफ्ट पर है या राइट पर है, ठीक है, इसको गौर से देखना है कि अगर आपका थंब अपवर्ड्स है वायर के नीचे आप देखें कर्ल की डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है, तो देखें लेफ्ट डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। अगर यही प्लॉटिंग कंपास वायर के ऊपर होता, ठीक है, वायर के ऊपर होता तो फिर इसका ऑप्शन बनता ऑप्शन डी, ठीक है। इस केस में क्योंकि प्लॉटिंग कंपास कार्डबोर्ड पर रखा हुआ है और वायर ऊपर से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, इसलिए इसका आंसर है सी। ओके, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, और अगर आप विजुअलाइज करते हो कि वायर ऊपर से गुजर रही है देन नीचे वायर के नीचे प्लॉटिंग कंपास रखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि प्लॉटिंग कंपास किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल आप अप्लाई करेंगे, और राइट हैंड ग्रिप रूल में क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए अप्लाई हो रहा है तो थंब इज कन्वेंशनल करंट, थंब एंड कर्ल इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स।